गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4, जिसके अपने अब तक 7 पार्ट पढ़ लिए हैं। कल फिजिक्स का टेस्ट था, पहले टेस्ट पे चर्चा करते हैं अपने। लबे बच्चों की कॉपी आ गई, अभी भी 13 बच्चे ऐसे जिनकी कॉपी नहीं आई है। मैथ के अंदर 7 बच्चे हैं और 6 बच्चे हैं बायोलॉजी के अंदर। बजरंग लाल की कॉपी नहीं आई, दिव्या, रणजीत चौधरी, रोहित, सचिन, शुभम, विशाल मीणा। इसके अलावा बायोलॉजी दिव्यांशु, मनोज गुदारा, मोनिका यादव, पायल, रिंकू और शर्मिला, इनकी कॉपी अभी तक नहीं आई है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से कॉपी आप सेंड करें, ताकि रिजल्ट जो बनाएं उसमें आगे समस्या नहीं आए, क्योंकि डेली हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है आगे। इसके अलावा डेली आपको वीडियो देखना है, डेली कमेंट करने हैं, ये बोला था, लेकिन कुछ बच्चे अब भी वीडियो नहीं देख रहे हैं अच्छे ढंग से। अब जो आज का अपना क्वेश्चन है, एक बड़ा प्रश्न है, 4 नंबर का है क्वेश्चन। ये है, गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो गोलीय संधारित्र क्या है या क्या होता है, इसकी परिभाषा सबसे पहले अपने पढ़ेंगे। तो परिभाषा बोर्ड पे लिखी हुई है, परस्पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सहकेंद्रीय गोलों से बनी हुई युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। सीधी और सिंपल सी बात यह है कि जो गोलीय संधारित्र है वो गोलाकार का होगा और इसमें कितने गोले होंगे, 2 होंगे। लगभग समान त्रिज्या वाले 2 गोले हैं, लेकिन दोनों पर जो आवेश है वो कैसा है, समान परिमाण का है और विपरीत प्रकृति का है। तो डायग्राम बनाते हैं, अपने चित्र बनाएंगे। ये गोला ले लेते हैं अपने इंटरनल आंतरिक, दो गोले हैं इसमें, दोनों की जो त्रिज्या है लगभग बराबर है, लेकिन डायग्राम को बिल्कुल स्पष्ट दिखाने के लिए अपने क्या किया है, थोड़ा सा गैप दिखाया है यहाँ पे, थोड़ा सा क्या रखा है, गैप रखा है। जो अंदर वाला गोला है, इंटरनल है, उसकी त्रिज्या है R1। R1 त्रिज्या वाले गोले को अपने क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे और इस पर धन आवेश उत्पन्न कर देंगे, यानी इसे धनावेशित किया गया है। आंतरिक गोले को कौन सा आवेश दिया गया है, धनावेशित। विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया से जो बाहरी गोला है R2 गोला, उसकी आंतरिक सतह पर क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश। तो यहां पर जितना पॉजिटिव उतना यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा चार्ज। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ये अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आवेशों में बहुत सारे गुण पढ़े थे। अब जो R2 त्रिज्या वाला गोला है, इसकी बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश उत्पन्न हो जाता है, इसलिए अपने क्या करेंगे, R2 त्रिज्या वाले बाहरी गोले को पृथ्वी से ऐड कर देंगे। किसे जोड़ देंगे, पृथ्वी से, जिससे इसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर, और दोनों गोलों के बीच में समविद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। दोनों गोलों के मध्य समविद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही समविद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो अपना यहाँ पर टारगेट होगा, अपने को यहाँ पर वोल्टेज निकालना है। पहले अपने विद्युत विभव निकालेंगे और उसके बाद में धारिता का मान निकालेंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है इसकी। तो सबसे पहले, सर्वप्रथम, जो R1 त्रिज्या वाला गोला है उस पर अपने क्या करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, और उसके बाद में R2 त्रिज्या वाले गोले पर अपने को वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले विद्युत विभव के सूत्र से R1 त्रिज्या वाले गोले पर विभव, तो विभव कितना आएगा, V, और V बराबर आएगा KQ/R, ये वोल्टेज का सूत्र है। अब पहला गोला है तो त्रिज्या कितनी है, R1 है, वोल्टेज कितना आएगा, V1, क्योंकि हम जानते हैं K बराबर होता है 1/4πε0, ये वैल्यू होती है, पहले लेसन में पढ़ी थी अपने। तो V1 = आ जाएगा Q/4πε0R1, समीकरण नंबर 1 नंबर। इसी प्रकार R2 त्रिज्या वाले गोले पर विद्युत विभव, अब जो R2 त्रिज्या वाला गोला बाहरी है, इस पर आवेश कैसा है, नेगेटिव है, तो वोल्टेज आएगा V2, और V2 = अपने इसी की बेस पर लिखना है, आवेश कैसा है, एक लाइन अपने विशेष पढ़ी कि जो वोल्टेज होगा वो आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अगर आवेश पॉजिटिव है तो वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर आवेश नेगेटिव है तो वोल्टेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
तो यहाँ पर आवेश R2 त्रिज्या वाले गोले पर आवेश कैसा है? नेगेटिव। तो वोल्टेज आ जाएगा माइनस क्यू बटा मी 4π ε₀ R2 समीकरण नंबर 2 नंबर। जो कुल विभव होगा वो अलग अलग विभव के योग के बराबर होता है। तो कुल विभव कितना है? V है, तो V बराबर आ जाएगा V1 + V2 समीकरण नंबर 3 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू क्यू बटा में 4π ε₀ R1 माइनस क्यू बटा में 4π ε₀ R2। तो V इज इक्वल टू आएगा, यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे जो कॉमन आ रहा है, और कॉमन यहाँ पर आ रहा है क्यू बटा में 4π ε₀, यहाँ पर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसको अपने आगे हल कर लेंगे तो V इज इक्वल टू आएगा, V इज इक्वल टू क्यू बटा में 4π ε₀, लघुतम लेंगे यहाँ पे, लघुतम आएगा R1 R2 और ये आ जाएगा R2 - R1। ये समीकरण आ जाएगी 4 नंबर। ये अपने वोल्टेज निकाल लिया। अब अपने डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, धारिता का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं धारिता के सूत्र से। तो धारिता का सूत्र क्या है? धारिता का सूत्र होगा C इज इक्वल टू क्यू बटा में V समीकरण नंबर 5 नंबर। आगे लिख देंगे समीकरण 4 व 5 से, क्या करेंगे समीकरण 5 में समीकरण 4 से V का मान रख देंगे। तो लिखेंगे क्या अपने समीकरण 4 व 5 से, तो C इक्वल टू आएगा C इक्वल टू क्यू बटा में V, और V का मान क्या है? V का मान है Q बटा में 4π ε₀, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा मान उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R2 - R1 और ऊपर आ जाएगा R1 R2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको अपने कैंसिल कर देंगे, Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू आ जाएगा 4π ε₀ R1 R2 बटा में R2 - R1। ये समीकरण नंबर है समीकरण नंबर 6 नंबर। समीकरण नंबर 6 क्या है? गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। संधारित्र कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। अपने सिलेबस में 2 ही है, पहला अपने पढ़ लिया था, दूसरा ये है गोलीय संधारित्र। और गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू 4π ε₀ R1 R2 बटा में R2 - R1। बहुत ही आसान, यहाँ पर फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है कि गोलीय संधारित्र की जो धारिता है वो गोलाकार जो चालक गोले लिए हैं उनकी त्रिज्याओं पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी? त्रिज्या पर। अगर अपन गोलाकार संधारित्र के दोनों गोलों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दें तो माध्यमिक धारिता कितनी होगी? तो माध्यमिक धारिता कितनी आ जाएगी? माध्यमिक धारिता आ जाएगी C इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4π ε₀ ε₁ R R1 R2 बटा में R2 - R1, क्योंकि धारिता का मान उतना ही गुना बढ़ जाता है जितना परावैद्युतांक का मान होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हुआ। बहुत ही आसान सा है गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र के लिए अपने यहाँ पर इसका व्यंजक निकाला है, सूत्र आपको याद रखना है कि गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा। C इज इक्वल टू 4π ε₀ R1 R2 बटा में R2 - R1। अब आज का प्रश्न है, क्वेश्चन लिखना है आपको। क्या विद्युत विभव, क्या विद्युत विभव आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है? आपका आंसर होना चाहिए यस या नो, हाँ या नहीं। तो प्रश्न बहुत ही आसान सा दिया मैंने, क्या विद्युत विभव आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करता है? ये प्रश्न आप जब अच्छे ढंग से देखोगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। आपको यस या नो आंसर देना है। अच्छे ढंग से सभी आप आंसर लिखें, अच्छे ढंग से इसको पढ़ें, तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।